जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, एपी संस्कृत चैनल को स्वागतम। पिला मने भल लगिले तो मने लाइक एवं सब्सक्राइब करी उत्साहित करियो। आमे गत अध्याय रे गुणी गुणहीन विवेक विषय को पढ़ा आरंभ करिथिले, जति कि तार आमे कंप्लीट करथिले, ताको थरे अनुवाद करनेबा, तापरे आग को आगेबा। अथैकदा गुरुशिष्य तीर्थाटनम कुर्वन्तौ अंधेरनगरी नामकम स्थानम संप्राप्तौ। यहापरे थरे गुरु और शिष्य तीर्थभ्रमण करू करू अंधेरनगरी नामक स्थान रे जाय पहुँचिले। भोजन सामग्री क्रेतुम आपणम गतेन शिष्येण दृष्टम यत् साकम तथा मिष्टान्नम समान मूल्येन उपलब्धे। खाद्य सामग्री किणवाक दोकान को जाइथिबा शिष्य द्वारा देखागला जे साग ओ मिठाई माने रसगोला समान मूल्येन उपलब्धे एका मूल्यरे मिळुछि। तेन प्रसन्नचित शिष्य अग्रे प्रवासं परित्यज्य अस्मिन्नेव नगरे स्थायी रूपेण निवासः कर्तव्य इति गुरवे साग्रहं निवेदितवान्। सेथिरे आनंदित होई पडिथिबा शिष्य आगरे फेरिबाकु थिबा गृहकु बा आश्रमकु परित्याग करि एही नगरी रे ही सबुदिन पाई स्थायी रूप से रही जीवा उचित हेबो बोली गुरवे साग्रहम निवेदितवान गुरु को आग्रह पूर्वक निवेदन कला बा जणाइला। तस्य आग्रहतिशयन अगतिक गुरु प्रस्तावम अमु अनुमोदितवान। तार अतिशय आग्रह हेतु उपाय शून्य होई पड़िथिबा गुरु से ही प्रस्ताव को अनुमोदन कले। मिष्टान्न सेवनेन तौ उभु परिपुष्टौ संजातौ। मिठाई खाइबा द्वारा से उभय सुस्थ सबल होइगले बा मोटा सोटा होइगले। अथैकस्मिन् समये नगरज्यम आराध्य निर्माणस्य गृहस्य भीतिः अकस्मात् धराशायिनी अभूत्। यहापरे कौनसी एक समय रे नगरी रे आराध्य निर्माणस्य गृहस्य भीति तयारी आरंभ होइतिबा एक घरर कांथ अकस्मात् धराशायिनी अभूत्, हठात् माटीरे लोटी पड़िला। तस्याश्च अधस्तात् अजा एका पंचत्वं गता। तार तले गोटे छेली चापी हुई मरीगला। अजा यहाँ स्वामीना राज्ञः पुरत अभिजोग उपस्थापित। छेली मालिक द्वारा राजांक आगरे अभिजोग उपस्थापन करागला। राज्ञः आदेशेन गृह निर्माणकर्ता आहूत। अजायः मृत्यु कारणम इति कृत्वा देहदंडेन दंडित। राजांकर आदेश बळरे घर मालिक बा घर तयारी करूथिबा लोक डकाई अणा हला। छेली मरिवार कारण से बोली स्थिर करा जाई देहदंडेन दंडित च देहदंडरे दंडित हला। तेन गृहस्वामीन बद्धांजलिन विज्ञापितम यत् न तस्य स अपराध अपितु इष्टिका लेपकारस्य जेन भीति निर्माण कार्यम सम्यक न अनुष्ठितम्। से घर मालिक द्वारा जोड़हस्त पूर्वक जणाई दिया गला जे से अपराध तार नुहे, परंतु इटा रे लेप करिथिबा राजमिस्त्रीर जहाद्वारा घर तयारी कार्य ठीक भाबरे करा जाय नाही। अतः लेपकारम आउहिय तस्मै अपि स एव देह दंड आज्ञापित। यहापरे लेपकार को डकाई तस्मै अपि स एव देह दंड, ताकु मध्य से ही देहदंडटी आदिष्ट हेला। तेन सगदगदम प्रार्थितम यत् नैस मम दोषः अपितु मृतिकायम जल प्रदातु श्रमिकस्य जेन अधिकम जलम प्रदत्तम जेन पंकः तरलतरः जात इति। ताद्वारा गदगद हुई प्रार्थना करागला जे से यही दोषटी मोर नुहे, परंतु माटीरे जल प्रदान करिथिबा श्रमिकर जहाद्वारा अधिक पानी दे दिया जाइछि, जहा फळरे पंक तरल तर बा अधिक तरल होई जाइछि। राज्ञा तस्य वचनम अनुमतम। राजांक द्वारा तार कथा गृहीत हला बा स्वीकृत हला। अतः आहूय आनीत स श्रमिकः अपि तेनैव मृत्युदंडेन दंडित। यहापरे आहूय आनीत स श्रमिक डकाई अणा जाइथिबा से ही श्रमिक अपि मध्य तेनैव मृत्युदंडेन दंडित, से ही मृत्युदंडरे दंडित हेला। आगको पढ़िबा जदा स श्रमिक बद्धस्थानम नीतः। जदा अभय शब्द जतेबेले स श्रमिक उक्ते कर्मणि प्रथमा बद्धस्थानम नीतः, बद्धस्य स्थानम
षष्ठी तत्पुरुष सकर्ण व्यक्ति अव कर्मणि द्वितीय बद्ध स्थान को नितः निधातु कर्मणिक्त निया हेला तदा सेतेबेले एतद् दृष्टिपथम आजातम यत् एतद् यहाँ ही दृष्टिपथम दृष्टे हे पंथा कमातम दृष्टिपथम षष्ठी तत्पुरुष समास सकर्ण व्यक्ति है व कर्मणि द्वितीय दृष्टिपथ को आजातम यत् आजात आजातम आशीला यत् जे बद्धाय नियोजितम रजुबंधनम बद्धाय बद्धम कर्तुम तुमकोठे बद्धाय होइचे तुम लपे चतुर्थी बद्ध निमित्त नियोजितम रजुबंधनम निजुजनिस्त नियोजितम मीन्स व्यवहृतम रजुबंधनम रज्ज्वाबंधनम तृतीय तत्पुरुष व रज्ज्वाह बंधनम षष्ठी तत्पुरुष रजुबंधनम दौड़ीर बंधन व फास तस्य ग्रीवायाः तुलनया तस्य ग्रीवायाः तुलनया तस्य व संबंधे षष्ठी व शेषे षष्ठी ग्रीवायाः तुलनया ग्रीवाया मध्य संबंधे षष्ठी व शेषष्ठी तार ग्रीवार तुलनया तुलना रे बृहदाकारम आसीत बृहत आकारम बृहदाकारम संधि विच्छेद ला बड़ आकार र थिला तदा किं कर्तव्यं तले एठी हमें जानी रखिया दरकार जे रजुबंधनम तस्य ग्रीवायाः तुलनया बृहदाकारम आसीत तले रजुर बंधन व दौड़ीर फास सेटा फास बोधे नथिला कारण फास थिले त ढिला एवं टाइट हो पारिथांता ताहा गंठी सदृशरे थिला एवं जहाँफलरे से दौड़ीर बंधनटी श्रमिकर बेक तुलनारे बड़ पड़गला बा ढिला रहिला तदा किं कर्तव्यम इति विचारे क्रियमाणे तदा सेतेबेले किं कर्तव्यम कौन करा जीवा उचित किं मुक्ते कर्मणि प्रथम कर्तव्यम क्रू कर्मणि तव्य तले कौन करा जीवा उचित कौन करा जीवा उचित इति विचारे क्रियमाणे विचार घय कमा तस्मिन विचारे क्रियमाणे क्रू कर्मणि सानच कमा तस्मिन विचार करा जाउथिबा अवस्था रे भावे सप्तमी समीपस्थितेन महामंत्रेण तले विचार के मानक द्वारा करा जाउथला जो माने से कार्य को करूथिले राजकर्मचारी माने एही बळी विचार करा जाउथ अवस्था रे समीपस्थितेन महामंत्रेण जे कि से कार्य को ऑन बिहाफ ऑफ किंग राजांक अनुपस्थित रे सुपरविजन करूथिले राजा जहां को दायित्व देथिले तले समीपस्थितेन महामंत्रेण समीपे स्थितः जः सः समीपस्थितः बहुव्रीहि समास कमातेन ये शब्द हे विशेषणकार न महामंत्रीण तले महान मंत्री महामंत्री व महान च असु मंत्री चैति महामंत्री कर्मधारे समास कमातेन गुणीन शब्दर तृतीय गुणीना परि महामंत्रीण महामंत्रीण सकाण व्यक्ति अनुक्ते कर्तरी तृतीय तले यही विचार करा जाउथिबा समय रे समीप स्थितेन महामंत्रीण निकटरे उपस्थित थिबा महामंत्रीक द्वारा उक्तम वच धातु भावेक्त भाववाच्य रेक्त प्रत्यय उक्तम कुहागला व कुहाला जत जे एकस्य प्राणन्ते घटिते अन्यस्य कस्यापि प्राणः तु हर्तव्यः एव इति एकस्य प्राणन्ते घटिते एकस्य संबंधे षष्ठी वा शेषे षष्ठी प्राणन्ते घटिते प्राणानम् अन्तः प्राणान्त षष्ठी तत्पुरुष कमा तस्मिन् प्राणन्ते घट धातुरेक्त प्रत्यय घटितम् कमा तस्मिन् घटिते तले प्राणन्ते घटिते मध्य हला एठारे भावे सप्तमी सूर्य उदिते परी तले एकस्य प्राणन्ते घटिते प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत दृष्टु प्राणानाम अंत हब प्राणस्य अंत हेब नहीं तले एकस्य प्राणन्ते घटिते जणकर प्राण जाउथिला बेले बा जीवन जाउथिला बेले अन्यस्य कस्यापि प्राणः अन्यस्य कस्यापि कस्य युक्तापि कस्यापि संधि विच्छेद तले अन्यस्य कस्याला संबंधे षष्ठी वा षष्ठी अन्य काहर मध्य प्राण उक्ते कर्मणि प्रथम तु हि हर्तव्याः एव इति रु कर्मणि तव्य बहुवचन हरण करिवाकु हेब एव इति एव निश्चार्थक अव्ययपद एवं इति हेउची वाक्य शेष सूचक अव्ययपद तले एठारे मंत्रीक परामर्श मध्ये आमे देखिले राजांक योग्यता को पूर्व पाराग्राफ रे देखिथिले जेतळे राज मालिक को से छेळी मरिवार कारण निर्धारण कले परवर्ती समय से गुहारी कलाठू मृत्युदंड बा देहदंड ट्रांसफर करी जाइथिला लेपकार पाखु ता कथा बोलले राजा ताकू स्वीकार करथिले लेपकार बा राजमिस्त्री जेतळे कहिला तार दोष नुहे श्रमिकर ताकू भी राजा स्वीकार करनेथिले वर्तमान किंतु जेतेबेले श्रमिक को मृत्युदंड देवा पई बद्ध निमित्त रजुबंधन देखा गला रजुर बंधनटी बेक तुलनारे श्रमिकर बेक तुलनारे बड़ पड़ जाउची
ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଆଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟସ୍ୟ କଶ୍ୟାପି ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ୟ ଯାହାର କାହାର ଜୀବନ ତୁ ହର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବ ଇତି ଆମକୁ ହରଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଦୋଷ ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ। ଏଇଭଳି ତଦା ଏତତ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୀତମ୍ ଯତ୍, ତଦା ସେତେବେଳେ ଏତତ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୀତମ୍ ଯତ୍, ଏତତ୍ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା, ନିର୍ଣ୍ଣୀତମ୍ ନି ହିଁ ଉପସର୍ଗ, ନି ଧାତୁ, କର୍ମଣି ତ ନିର୍ଣ୍ଣୀତମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଗଲା ବା ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ଯତ୍ ଯେ ରଜବନ୍ଧନ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛେ ରଜବନ୍ଧନମ୍ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ବା ରଜ୍ୱାହ ବନ୍ଧନ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଏଠି ହେବ ରଜୁବନ୍ଧନସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ତସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବା ତସ୍ମୈ ଯୋଗ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏକଥରେ କଲେ ରଜୁବନ୍ଧନସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବା ରଞ୍ଜୁ ରଜୁବନ୍ଧନାୟ ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ୍ୟ, ବନ୍ଧାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କୋପି, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, କହ ଅପି କୋପି କେହି, ପୁଷ୍ଟ ଗ୍ରୀବଃ ଆନେତବ୍ୟଃ ଇତି, ପୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଉଡ଼ା ବା ମୋଟା, ତାହେଲେ ଗ୍ରୀବ ମାନେ ବା ଗ୍ରୀବା ବେକ, ତାହେଲେ ପୁଷ୍ଟା ଗ୍ରୀବା ଯସ୍ୟ ଅସୁ ବା ଯସ୍ୟ ସହ ବୌବ୍ରୀ ସମାସ, ସକାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ କୋପି ପୁଷ୍ଟ ଗ୍ରୀବ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା, କୌଣସି ଚଉଡ଼ା ବେକଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମଣିଷ। ଆନେତବ୍ୟଃ ଇତି ଆ ଉପସର୍ଗ, ନି ଧାତୁ, କର୍ମଣି ତବ୍ୟ, ଆନେତବ୍ୟଃ ଇତି ଅଣାଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହି ରାଜପୁରୁଷେ ହି, ଅନୁ ଇସ୍ ଲ୍ୟୁଟ୍, ଅନ୍ୱେଷଣ ମାନେ ଖୋଜିବା, ଅନ୍ୱେଷଣସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବା ଅନ୍ୱେଷଣାୟ କାର୍ଯ୍ୟମ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କମା ତସ୍ମିନ୍, ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଖୋଜିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହି ରାଜପୁରୁଷେ ହି, ନିଯୁଜିଣିତ ନିଯୁକ୍ତ କମା ତୈ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା, ରାଜପୁରୁଷେ ହି ରାଜ୍ଞାଃ ପୁରୁଷାଃ କମା ତୈ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସକାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା, ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗବଶତ୍ ସଂଯୁଜ ଘୈୟ ସଂଯୋଗ ସଂଯୋଗ ଏବଶ ସଂଯୋଗବଶ ରୂପକ କର୍ମଧାର ସମାସ କମା ତସ୍ମାତ୍ ସଂଯୋଗବଶରୁ ହେତୁ ପଞ୍ଚମୀ, ତେନୈବ ପଥା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ତେନ ଯୁକ୍ତ ଏବ, ତାହେଲେ ତେନୈବ ପଥା ତେନ ପଥା ଏବ ତେନ ପଥା ଏବ ତେନ ପଥା, ଏ ଗୋଟେ ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ମାର୍ଗବାଚକ ପଦର ତୃତୀୟା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଦେଖିଥିଲେ ମୂଲ୍ୟବାଚକ ପଦର ତୃତୀୟା, ଏଠାରେ ସେମିତି ଆସିଗଲା ମାର୍ଗବାଚକ ପଦର ତୃତୀୟା। ତେନ ପଥା ଏବ ପଥିନ୍ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ତୃତୀୟା ପଥା, ତାହେଲେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗଚ୍ଛନ୍ତୁ ଗମ୍ ଶତ୍ରୁ ଗଚ୍ଛତ୍, ଦୁଇ ବଚନରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ବଚନରେ ହେବ ଗଚ୍ଛନ୍ତୁ ଯାଉଥିବା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଚ ଶିଷ୍ୟ ଚ କମାତୌ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟୌ ଦୃଷ୍ କର୍ମଣିକ୍ତ ଦୁଇ ବଚନ ଦୃଷ୍ଟୌ ଦେଖା ପଡ଼ିଲେ ବା ଦେଖା ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ କୌଣସି ଏକ ଚଉଡ଼ା ବେକଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ସେହି ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିବାର ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଆସୁଥିବା ରାଜ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ରାଜପୁରୁଷେ ହି ରାଜ୍ଞାଃ ପୁରୁଷାଃ କମାତୈ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସକାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରି ତୃତୀୟା, ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟମ୍ ଗୃହୀତ୍ୱ ଶିଷ୍ୟମ୍ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, ଗୃହୀତ୍ୱ ଗ୍ରହ ଧାତୁ ତ୍ୱଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଗୃହୀତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ନିଆଯାଇ ସହ ବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ନୀତ, ସେ ବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, ସହ ବା ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା, ନୀତ ନି କର୍ମଣିତ, ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସହ ଶବ୍ଦଟିକୁ। ରାଜପୁରୁଷେ ହି ଶିଷ୍ୟମ୍ ଗୃହୀତ୍ୱ ସହ ବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ନୀତ, ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟକୁ ଧରାଯାଇ ବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆହେଲା ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ହେବ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଧରି ବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ନେଲେ, ଏଠି ସହ ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଷ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାରେଣ ରାଜାନମ୍ ପ୍ରାର୍ଥିତବାନ ଯତ୍, ଶିଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ, ବହୁ ପ୍ରକାରେଣ ବହୁ ଚ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚ ଇତି କର୍ମଧାର ସମାସ କମାତେନ ବହୁ ପ୍ରକାରେଣ ପ୍ରକୃତ୍ୟାଦିଭ୍ୟ ତୃତୀୟା, ଶିଷ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ରାଜାନମ୍ ପ୍ରାର୍ଥିତବାନ ଯତ୍, ରାଜାନମ୍ ରାଜନ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟା ଏକ ବଚନେ, ରାଜାନମ୍ ସକାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥିତବାନ ଯତ୍ ପ୍ରଅର୍ଥନିତବତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଯତ୍ ଯେ ଅହମ୍ ସର୍ବଥା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅସ୍ମି, ଅହମ୍ ମୁଁ ସର୍ବଥା ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ମିନ୍ସ ବାଇ ଅଲ୍ ମିନ୍ସ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅସ୍ମି ନାସ୍ତି ଦୋଷ ଯସ୍ୟ ଅସୁ ବା ଯସ୍ୟ ସହ ବୌବ୍ରୀ ସମାସ ନୟ ବୌବ୍ରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅସ୍ମି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟେ ବା ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ।
मया न कोपि अपराधः कृतः। मया अनुक्ते कर्तरि तृतीया, कोपि कः अपि संधि विच्छेद अपराधः, उक्ते कर्मणि प्रथमा, कृत कुरु कर्मणि तो। मो द्वारा कौन सी हेले अपराध करा जाए नहीं, किंतु तस्य परिदेवनम केनापि न श्रुतम। किंतु तस्य परिदेवनम, तस्य परिदेवनम, तस्य कृतयोगे षष्ठी तार परिदेवनम परिदिव्युट परिदेवनम उक्ते कर्मणि प्रथमा केनापि केन युक्त अपि तार परिदेवनम मीन्स तार आकुल निवेदन केनापि न श्रुतम। केन अनुक्ते कर्तरि तृतीय, केन युक्त अपि कहा द्वारा मध्य न श्रुतम सुनागला नहीं, अर्थात तार से आकुल निवेदन को कई हेले कर्णपात कले नहीं बा कई हेले सुनिले नहीं। तापरे गुरुणा शिष्य संबोधित जत, गुरुणा अनुक्ते कर्तरि तृतीय, गुरुंक द्वारा शिष्य संबोधित जत, शिष्य उक्ते कर्मणि प्रथमा, संबोधित संबोधनिचित संबोधित अर्थात गुरुंक द्वारा शिष्य संबोधित हेला जे बा गुरु शिष्य को संबोधन करी कहिले जे मया प्रथमम एव कथितम आसीत, मया अनुक्ते कर्तरि तृतीय, प्रथमम एव प्रथमरु ही, प्रथमम क्रिया विशेषण द्वितीय, एव ही कथितम कथ भावेक्त, मो द्वारा प्रथमरु ही कहा जाऊला अर्थात मु प्रथमरु ही कहूली, अर्थात जतेबेले शाग और मिठाई समान मूल्य रे मिलिबार शिष्य देखी से नगर में सबुदिन रही नवेदन करा गुरु को, गुरु निश्चित से आमर एटी पाराग्राफ्रे लिखा जाए ना, गुरु निश्चित से आम कहे आजिकल स्टाइल रे अरे इटा कौन केवे संभव सागर रेट रे मिठाई मिल डाल में कुछ काला काला नजर सा लगता है आगे जाके ये हमारे लिए तकलीफ का बात हो सकता है। एमती किसी हिंदी हो ओडिया हो जहाँ भी हो गुरु शिष्य को ओडिया हो हिंदी हो इंग्लिश तांका भाषा भाषा से कथोपकथन बुझे थे प्रथम निश्चित बुझे थे जमी छुआटी खेलना जिदी कले निश्चित माँ बापा बुझाते चल आग को जी आगे आहरी दुकान अच्छे आहरी देखा कौटी आमको जो भल लगे आहरी अलग प्रकार मिल यही दाम रे भी अलग मिल बुझाती कि जितने नछट बंधा नीति से ही मुझे न ने आग को जीवनी बोली जिदी कैपाई कि बाध्य हूँ ठीक से ही भाव एठारे शिष्य को गुरु बुझाई शिष्य रतबाद नछट बंधा नीति रे थी शिष्य कथार राजी हो गुरु से ही अंधेर नगर रही बाध्य तो ये कह गुरुणा शिष्य संबोधित चत जितेबले शिष्य को बांधि निगला राजकर्मचारी मानक द्वारा गुरुणा शिष्य संबोधित जत गुरु शिष्य को संबोधन करी कहले जे मया प्रथमम एव कथितम आसीत मो द्वारा प्रथम रु ही कह जाऊला जत जे अस्याम अंधकार नगरियाम अंधकार नाम नगरी अंधेर नगरी अंधकार नगरी मध्यपद लोपी कर्मधारय कमात अस्याम जहाँ अंधेर नगरी से ही अंधकार नगरी तेरे अस्याम अंधकार नगरियाम अधिकरण सप्तमी उचितम अनुचितम न उचितम अनुचितम न तत्पुरुष तले उचित अनुचित न्यायम अन्यायम न न्यायम अन्यायम न तत्पुरुष न्याय अन्याय इति एतयो इत्येतयो अछि संधि विच्छेद व इति युक्त एतयो इति हला वाक्य से सूचक अव्यय पद एतयो ए उभय मध्य मीन्स उचित अनुचित और न्याय अन्याय यही परस्पर जुगल मध्य विचार नैव क्रियते विचार घय विचार मीन्स विभेद उक्ते कर्मणि प्रथम नैव क्रियते न एव विचार नैव क्रियते विचार मध्य न एव क्रियते करा जाए नहीं क्रियते क्रू धातुर आत्मनेपदी स्वरूप क्रियते करा जाए न क्रियते करा जाए नहीं किंतु तदा त्वय अवधानम न दत्तम किंतु तदा सत्यवेले त्वया अनुक्ते कर्तरी तृतीय तुम द्वारा अवधानम अवधाल्युट अवधानम मीन्स ख्याल बा दृष्टि देवा न दत्तम द कर्मणि तो दत्तम तले किंतु सेतेबेले तुम द्वारा अवधान न दत्तम मीन्स सेतेबेले तुम द्वारा दृष्टि दियागला नहीं अर्थात मो कथा उपरे ख्याल करागला नहीं परंतु तस्मात् संकटात किंतु जहाँ घटित सारी तस्मात् संकटात अवधाने पंचमी से ही संकटरु परंतु तस्मात् संकटात् से ही संकटरु कथमपि कथम युक्तापि कौनसी मते निर्गमनम निहि गाम लिफ्ट निर्गमनम निस्तरी जीवा बा सेथिरु निस्तार पाइवा आवश्यकम एव आसीत आवश्यकम युक्त एव आवश्यक ही एठी आवश्यकम हव
कर्तरी प्रथमा आवश्यक ही आसित थिला। गुरुणा शिष्यस्य करने किमपि उपाय रूपेण कथितम्। गुरुणा अनुक्ते कर्तरी तृतीया, गुरुंक द्वारा शिष्यस्य संबंधे षष्ठी वा शेषष्ठी शिष्य र करने अधिकरण सप्तमी कानरे, गुरुंक द्वारा शिष्य र कानरे किमपि किमपि किछि किमत्र उक्ते कर्मणि प्रथमा उपाय रूपेण, उपायमेव उपाय रूपम मयूरवंशकादि तत्पुरुष समास कमातेन मय उपाय रूपेण तमरा प्रकृत्यादिभ्यः तृतीया उपाय स्वरूपरे कथितम् कथ कर्मणिक्त कुहा हेला। कथम स शिष्यः बद्धाय, जदा स शिष्यः बद्धाय नियते स्म, जदा जतेबले स शिष्यः उक्ते कर्मणि प्रथमा बद्धाय तुम लोपे चतुर्थी करण बद्धम कर्तुम बद्धाय नियते स्म। निधातुर कर्मणि तहिचि नियते निया गला, नियते पर लट लकार हेले स्म लगी तेरी अतीत काल अर्थ हे नियते स्म नियागला कहा द्वारा ना राजकर्मचारी मानंक द्वारा। तदा सेतेबेले गुरुणा अग्रे आगत्य, गुरुणा गुरुंक द्वारा अनुक्त कर्तरी तृतीया, गुरुंक द्वारा अग्रे आगत्य अग्रे आगरे अधिकरण सप्तमी आगत्य आगम ल्यप आसी उक्तम यत उक्तम वच कर्मणिक्त कुहा भावेक्त भाववाचरेक्त कुहा गला जत जे शिष्यस्य स्थाने मम बद्ध कर्तव्यः। शिष्यस्य संबंधे षष्ठी स्थाने स्थानरे शिष्यर स्थानरे मम बद्धः कर्तव्य मम संबंधे षष्ठी वा शेषष्ठी बद्ध उक्ते कर्मणि प्रथमा मोर बद्ध कर्तव्यः क्रु कर्मणि तव्य कराजिबा उचित हेब जतः जेहेतु ममापि ग्रीवा पुष्ट अस्ति इति। ममापि ममापि मोर मध्य ग्रीवा अर्थात बेक पुष्ट अस्ति इति। पुष धातुक त प्रत्यय पुष्ट अस्ति इति मोर बेक मध्य चौड़ा अटे। तलेठी जदा स शिष्य बद्धाय नियते स्म, जेतेबेले से शिष्य बद्ध स्थली को अर्थात पूरा जेउठारे ही ताको मृत्युदंड दियाजिव से स्थली को नियागला, सेतेबेले गुरु आग को आसी कहिले जे शिष्यस्य स्थाने मम बद्ध कर्तव्य शिष्य स्थाने मोर बद्ध कराजिबा उचित जेहेतु मोर मध्य मोर मध्य बेक चौड़ा अटे। कारण जेतेबेले गुरु ताको किछि उपाय स्वरूप कानरे कहिले फुसफुस कि धीरे सुस्ते सांगे सांगे सेठी एई भली कहि देथिबे चुंबक रे अल्प टिके जहाँ अन्य माने सुनी परिबेनी मु मरिया को छि तू मरिया को देख को आगु कहुछि। तेंकरि समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। टिके चुंबक रे कहि देथिबे अल्प टिके कहि देथिबे शिष्य से अनुसार तापरे आगु कोन कहुछि। गुरु जते बले कहिले मोर मध्य बेक चौड़ा अटे आउ जदि अन्य पक्षरे देखा जाए आमे दि जण भितरे वयस मोर अधिका मु दीर्घ दिन धरि बंचिलेनी मु वयस अधिका दृष्टि मु आगे मरिबा उचित। परवर्ती समय मो शिष्य बापा थाउ थाउ छुआ कण मरवा उचित कि ठीक से भले गुरु बुझे थे। तदा शिष्योपी साग्रहम अब्रवीत। तदा सेतेबेले शिष्योपी शिष्य अपि शिष्य मध्य शिष्य कर्तरी प्रथमा साग्रहम आग्रहेण सह वर्तमान स्वार्थ बहुब्री समास सकरण व्यक्ति क्रिया विषयण द्वितीय। सेतेबेले शिष्य मध्य साग्रहम आग्रह पूर्वक अब्रवीत कहिला जत मा एवं नहीं एपरि हो पारे ना ममैव प्राणः अपहर्तव्यः इति। मम एव सन्निविच्छेद ममैव मोर हि प्राणः उक्ते कर्मणि प्रथमा मोर हि जीवन गोटे प्राण हेले मध्य नित्य बहुवचनांत दृष्टि एपरि होइछि अपहर्तव्यः इति। अपहृ कर्मणि तव्य बहुवचन अपहर्तव्य इति मोर हि जीवन अपहृत हेबा उचित। अर्थात शिष्य मध्य ता युक्ति निश्चित रखिला जे मो शिष्य आग्रहपूर्वक कहला जे नहीं नहीं एपरि हो पारे ना मोर ही जीवन अर्थात गुरु ही बंची रहा दरकार। जड़े शिष्य गले गुरु रहिले से आहुरी मोपरि अनेक शिष्य उत्पादन करें किंतु गोटे शिष्य चलीगले देश दुनिया पर यह किसी क्षति घटव ना हे तो मो पर क्षति हो पारे। तेल ममी व प्राण हाँ अपहर्तव्य से भाई जुक्ति रखिला। तदा से विस्मय चकितेन राज्ञा पृष्ठम विस्मी अच विस्मय विस्मयन चकितम विस्मय चकितम तृतीय तत्पुरुष कमातेन अदरवाइज अन्य प्रकार कहले विस्मयन चकित जह सह चकित माने आश्चर्य तले विस्मयन चकित जह स कमातेन बहुव्रीहि समास कारण एठारे राजन शब्दर तृतीय जो राज्ञा है तार यह विशेषण शब्द आश्चर्य चकित हो पड़ा राजा द्वारा अनुक्त कर्तरी तृतीया
पृष्ठम प्रच भावेक्त पचरा हेला कह है सब व्यापार इति कौन ये चली अर्थात ये कि फर्स चली जो भाव में आम कहू तले जिते बड़े ये मंत्री कर परामर्श आम देखी भूलभाल होता भितर कार्यर विलंबता देखी राजा निश्चित से स्थल आसी पहुँची सारी जहाँफल एठारे राजा कहते कह सब व्यापार रही विरक्ति प्रकाश करी कारण राजा अनेक कार्य थाए ये गोटे कार्य जी एत समय चली अन्य समय अन्य कार्य गुड़ी के समाधान करेंगे तेणुक राजा ये विरक्ति प्रकाश कर सब व्यापार रही गुरुणा प्रोक्तम से गुरु जो मौकाटी को बा चान्स टी खोजुले पाईले गुरुणा अनुक्ते कर्तरे तृतीया प्रोक्तम प्रवच भावेक्त गुरु द्वारा कहला जत जे जो नाम अस्मिन मुहूर्ते जह नाम जह नाम पद जगे प्रथमा वे जगे प्रथमा जे ही अस्मिन मुहूर्ते अधिकरणे सप्तमी कलाधिकरणे यही समय रे बद्ध स्थाने बद्ध से स्थान षष्ठी तत्पुरस्कमा तस्मिन बद्ध स्थाने अधिकरणे सप्तमी प्राणे ही बीजुज्येत प्राणे ही उनार्थे वा हिनार्थे तृतीया प्राणरु बीजुज्येत विच्युत हेब वा शून्य हेब बीजुज कर्मणि त बीजुजेत सह आगामिनी जन्मनी से आगामी जन्मरे आगामीन शब्द से सप्तमी आगामिनी जन्मन शब्द से सप्तमी जन्मनी आगामीन गुणीन शब्द परी जन्मन शब्दटी आत्मन शब्द परी तले सह कर्तरी प्रथमा आगामिनी जन्मनी अधिकरणे सप्तमी से आगामी जन्मरे चक्रवर्ती सम्राट भविष्यति इति चक्रवर्ती सम्राट होई पारिब साधारणत भाव में आम पुराण में जानचे सम्राट हवा को अश्वमेध यज्ञ व राजसूय यज्ञ इत्यादि करने को पड़े किंतु राजा को गोटे चान्स मिलला सम्राट हो केबे गुरु सम्राट हेनि किंतु राजा सम्राट होती एत सहजरे राजा शुणी भावविहोल हो जाए तत्श्रुत्वा तत्युक्त श्रुत्वा श्रुक्वा ताहा शुणी राज्ञा उत्तम राज्ञा अनुक्त कर्तरे तृतीया उत्तम बच भावेक्त राजा द्वारा कहला अर्थात राजा कहले जत ताहले अस्याम परिस्थित्यम परिस्थातिन कमातस्याम अस्याम परिस्थित्यम अधिकरण सप्तमी यही परिस्थिति रे अहमेव अहम युक्त एव अहम एव जोगे प्रथमा मुहि बद्धस्य इच्छुक इति बद्धस्य संबंधे षष्ठी बद्धर इच्छुक अटे अर्थात बद्ध हेबापाई बा मु मरियापाई आग्रही अटे शिष्य को बाहर कर दियो से श्रमिक को बाहर कर दियो गुरु को छाड़ी दियो मु ही मरिया पाई आग्रही अटे निज कर्मचारी मानंकु राजा निजर मृत्यु पाई प्रस्तुत हेबा प्रस्तुति करिया पाई आग्रह प्रकाश कले आज गुणीगण हन विवेक द्वितीय पाठ को बा द्वितीय पाठ रो आलोचना को आम यही सांग करिबा परवर्ती अध्याय परवर्ती विषय को आलोचना करिया।